और अब खबर शहडोल से है, जहां जिले की पुलिस इन दिनों मुस्तैद है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जहां रविवार की रात बुढ़ार नगर के राम जानकी मंदिर के समीप स्थित यूनियन बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोरों को बुढ़ार पुलिस ने रात्रि टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया और चोरी की बड़ी वारदात होने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोर काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। बुढ़ार पुलिस ने एक चोर हसन शेख और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए 6 नग गैस सिलेंडर, कटर मशीन आदि औजारों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए चोर हसन शेख के 3 साथी फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि घटना की जानकारी लगते ही शहडोल SP अवधेश कुमार गोस्वामी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। वहीं इस चोरी की घटना में लिप्त शातिर चोर, जो कि मालदा वेस्ट बंगाल के बताए जा रहे हैं, पकड़े गए आरोपी से उसके बाकी साथियों के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जिले के SP ने इस वारदात को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी SI वर्षा बैगा, आरक्षक धन्ना सिंह एवं परिमल सिंह को 10-10 हजार रुपयों की नगद राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। शहडोल से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बीती रात में बुढ़ार थाना क्षेत्र में गश्त पार्टी जो राउंड पे थी, राम जानकी मंदिर के पास यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के पास में उनको बदमाशों की आहट हुई। आवाज से उनको लगा कि बैंक के अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने तत्काल जाके पीछे की ओर से जो सुना इलाका है वहाँ से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। एक बदमाश मुठभेड़ के बाद में, जिसमें पुलिस जवान को चोट भी आई, रंगे हाथों पकड़ लिया। 3 बदमाश भागने में सफल रहे और यूनियन बैंक और नेशनल बैंक में एक बड़ी वारदात होने से जो है वो पुलिस की सतर्कता से टल गई। यद्यपि कुछ सामान ले जाने में वो सफल हुए थे, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। और धन्ना लाल सोलंकी और वर्षा बैगा और एक तीसरे जो आरक्षक थे परमाल सिंह, उनको 10-10 हजार रुपये के कैश रिवार्ड की घोषणा की गई है। और उनकी हिकमत अमली, उनकी सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ी वारदात न केवल बुढ़ार में होने से असफल हुई, बल्कि एक इंटर स्टेट गैंग जो कि मालदा वेस्ट बंगाल का है, उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य को पकड़ने में सफलता मिली है। और हम बाकी गैंग की तलाश कर रहे हैं। जो पूछताछ में प्राथमिक तथ्य आए हैं कि ये पिछले 2-3 दिन से शहडोल और अनूपपुर के बैंक की रेकी कर रहे थे, तो हमने अनूपपुर में भी इस संबंध में सूचना दी है और अनूपपुर और शहडोल पुलिस मिलके जो शेष 3 बदमाश हैं उनकी तलाश कर रही है। हम उनको जल्दी पकड़ लेंगे। ये सेंध लगा के जो है इन्होंने प्रयास किया था, और यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की चूंकि मिली हुई दीवार है, तो इन्होंने पहले यूनियन बैंक और फिर उसके बाद में एक दीवार में छेद करके पंजाब नेशनल बैंक में घुसने का प्लान किया था।